जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है हेमराज और आप देख रहे हैं टॉक विद हेमराज यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं रेलवे ग्रुप डी का ऑनलाइन एग्जाम आपको कंप्यूटर पर कैसे देना है। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। चलिए मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन पर ले जाता हूं। आपके कंप्यूटर की स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने दिखाई देगा, ठीक है। आपका नाम यहाँ दिखाई देगा और आपकी फोटो यहाँ दिखाई देगी, ठीक है। आपको यहाँ पास अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालना पड़ेगा। इसके लिए आप यहाँ से कीबोर्ड पर टिक करेंगे और यहाँ से आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, ठीक है। इसके बाद आप अपना पासवर्ड डालेंगे, सिंपल सा यहाँ क्लिक करेंगे कीबोर्ड पर और यहाँ से पासवर्ड आप डालेंगे। बात हुई क्लियर। फिर इसके बाद आपको साइन इन बटन पर क्लिक करना है। इसके लिए आप क्या करेंगे, माउस की बाएं की का यूज करेंगे, ठीक है। बाएं बटन का यूज करेंगे, मतलब लेफ्ट की का आप यूज करेंगे। तो सिंपल सा आप साइन इन बटन पे क्लिक कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पास व्यू इन पे आ जाना होगा। इसके बाद आप यहाँ से अपनी भाषा सेलेक्ट करेंगे। तो चलिए मैं यहाँ से हिंदी सेलेक्ट कर लेता हूँ। इसके बाद आपको नीचे आ जाना है। नीचे आने के लिए आप स्क्रॉल बटन का यूज करेंगे, मतलब माउस पर जो एक गोल गोल बटन होती है उसको आपको फिराना है। इसके बाद नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पास सेलेक्ट में क्लिक करना है और यहाँ से अपनी भाषा फिर से सेलेक्ट करना है। तो हिंदी में सेलेक्ट करूँगा मैं और यहाँ से टिक मैं करूँगा। आपको सिर्फ और सिर्फ बाएँ बटन का यूज करना है, ठीक है। माउस के बाएं बटन का यूज करना है। इसके बाद आई एम रेडी टू बिगिन पे क्लिक कर देना है। हमारा एग्जाम अब स्टार्ट हो जाएगा। आपके सामने कुछ इस प्रकार के प्रश्न दिखाई देने लगेंगे, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। तो नवंबर 2020 तक प्राप्त जानकारी अनुसार भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो चलिए इसका आंसर दे देता हूँ, सुनील अरोड़ा। और यहाँ पास आपको टाइम भी दिखाई देगा कि आपके पास कितना टाइम अभी बचा हुआ है, ठीक है। तो सिंपल सा हम सुनील अरोड़ा पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देते हैं, ठीक है। तो देखिए ये ग्रीन ग्रीन हो गया, मतलब कि हमारा जो आंसर है वो सबमिट हो गया है, ठीक है। इसके बाद सेकंड क्वेश्चन पे हम जाते हैं। अब देखिए मैंने इस क्वेश्चन को देख लिया है, लेकिन मैं अब इसको सॉल्व नहीं करने वाला हूं, आगे वाले मैं क्वेश्चन में चला जाता हूं। तो देखिए मैं सेकंड क्वेश्चन तो देख लिया हूं, लेकिन अभी उसका आंसर नहीं दिया हूं। तो देखिए ग्रीन सॉरी रेड कलर का हो गया है। तो आपको यहाँ पास ध्यान देना है, जिस भी क्वेश्चन का आप आंसर नहीं देंगे लेकिन उसको देख लिए हैं वो रेड हो जाएगा, ठीक है, वो रेड हो जाएगा। तो आप इस बात को ध्यान में रखिएगा, जब तक ग्रीन ना हो तो इसका मतलब ये है कि आपका आंसर जो है तो सबमिट नहीं हुआ है। बात हुई क्लियर। तो इसी प्रकार चलिए मैं सेकंड वाले को एक बार सॉल्व कर लेता हूं। तो निपाह एक है, तो एक क्या है, वायरस है। इसको मैं सेव एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दिया, ठीक है। तो ये देखिए ये भी ग्रीन हो गया, ठीक है। तो जब तक आप आंसर नहीं देंगे, लेकिन यदि आप उसको देख लिए हैं तो वो रेड कलर का हो जाएगा। यदि आप आंसर दे दिए हैं, सबमिट कर दिए हैं, तो वो ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। आप और ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए मैं थर्ड वाले क्वेश्चन को बाद में देखना चाहता हूं, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। तो ये देखिए बैगनी कलर का हो गया है, ठीक है। इसके बाद मान लीजिए फोर्थ वाले क्वेश्चन में आ गया हूं और इसका जवाब मुझसे बनता है। चलिए मैं इसका थर्ड आंसर जवाब दे दिया, ठीक है, लेकिन मुझे इसमें संदेह है कि ये क्या ये सही है या गलत है और मैं इसे बाद में देखना चाहता हूं। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर दूंगा। अपना आंसर तो हम दे देंगे, लेकिन और यहां पास हम क्या करेंगे, मार्क फॉर रिव्यू एंड नेक्स्ट बटन पे क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पास आप देखेंगे बैगनी कलर का हो जाएगा और आपके एक नोटबुक जैसे बन जाएगा, ठीक है। तो आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। यदि ग्रीन हो जाए तो मतलब कि आपका आंसर सबमिट हो गया है। यदि रेड कलर का हो गया है, इसका मतलब ये है कि आपने क्वेश्चन देख लिया है, आंसर नहीं दिया है, ठीक है। इसके बाद यदि बैगनी कलर का हो जाए तो इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन को बाद में देखना चाहते हैं। और यदि
बैगनी कलर का हो जाए और नोटबुक जैसे आपको यहाँ पास बना हुआ दिखाई दे, इसका मतलब ये है कि आप इस क्वेश्चन का आंसर तो दे दिए हैं लेकिन अभी डाउट है क्या ये सही है या गलत है और इसे आप बाद में देखना चाहते हैं, तो कुछ इस प्रकार का आपका यहाँ पास दिखाई देगा। ठीक है, तो ये रही थोड़ी सी जानकारी, और यदि आपको कुछ पूछना है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, और यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।